देश अब तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र वर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर गोहाना से आ रही है। गोहाना के महम रोड स्थित विश्वकर्मा चौक पर आज दिन दिहाड़े एक युवक पर चक्कू मारने का मामला सामने आया है। हम आपको बता दें कि आज दोपहर लगभग 12 बजे के आसपास, 12:30 बजे के आसपास का ये मामला बताया गया है, जहां पर गोहाना के महम रोड स्थित विश्वकर्मा चौक पर अजय, जो कि अपनी गुड़िया को स्कूल से लेकर आ रहा था, तो चौक पर जाम होने के कारण वह एक गाड़ी के पीछे खड़ा था और गाड़ी वाले ने बैक गियर लगाकर उस गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी, जहां पर बाइक गिर जाती है, उसकी जो छोटी सी गुड़िया है वो भी गिर जाती है। गुड़िया के सिर पर थोड़ी सी चोट आती है। उसके बाद जो है अजय ने गाड़ी चालकों को कहा कि कृपया बाहर पीछे भी देख लेते हैं कि छोटी सी गुड़िया है, इसको चोट लग गई है। इतना कहने के बाद जो है गाड़ी से 3 से 4 लोग निकलते हैं और अजय पर जो है चाकू से हमला करके वहां से फरार हो जाते हैं। और आप तस्वीरें देख सकते हैं, गोहाना के इस विश्वकर्मा चौक की तस्वीरें हैं, जहां पर भारी भर जाम भी लगा हुआ है, जिसके कारण जो है यहां पर ये देख सकते हैं छोटी सी गुड़िया को भी चोट लगी है। और इसके बाद जो है अजय को गोहाना के सिविल हॉस्पिटल में लाया गया, जहां पर उसका ट्रीटमेंट भी किया गया है और पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। और मैं आपको बता दें कि अजय को जो है काफी गहरा जख्म जो है हुआ है, और उसके बाद जो है डॉक्टरों ने उसको टाके लगाने का कार्य किया गया। लगभग 10 से 15 टाके जो है उसके हाथ पर लगे हैं। और बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि दिन दिहाड़े जो है इस बड़ा ही व्यस्तम जगह जो ये गोहाना की है, जहां पर जो है काफ़ी व्हीकल और आवागमन ज़्यादा रहता है, उसके बीच जो है इस तरह की घटना को अंजाम देकर जो बदमाश यहां से फरार हो जाते हैं। और पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है और पुलिस अपनी कार्रवाई जो है कर रही है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं, गोहाना के सिविल हॉस्पिटल की तस्वीरें हैं, जहां पर पुलिस मौके पर पहुंचकर अपनी जो लिखा पढ़त है वो कर रही है। और सवाल इस बात पर उठता है कि क्राइम जो है लगातार, गोहाना या सोनीपत की बात करें तो लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन लूट घसोट और इस तरह की वारदातें हो रही हैं, और आज जो है दिन दिहाड़े चाकू मारकर घायल करने का मामला सामने आया। देख सकते हैं कि अजय को जो है डॉक्टर जो है ट्रीटमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। अजय को जो है लगभग 10 से 15 स्टिच लगी हैं, जहां पर उनको टाके लगाए गए हैं, उसके बाद जो है उसका खून रुका है, काफ़ी गहरा जख्म उसके हाथ में हुआ है। सुनिए अजय ने बताया कि उसके साथ कैसे क्या हुआ। विश्वकर्मा चौक पर पहुंचा तो उधर रहने उन्होंने एकदम बैक कर लिया, गाड़ी और नीचे गिर दिया, गुड़िया के सिर पर लग गई थी, तो मैं बोला भाई देख कर चला लो, इतने में गाड़ी देकर सीधा चक्कू में मार दिया और कुछ नहीं। इस समय की बात है ये, अभी बस 12:30 के बीच की। अच्छा, तो क्या कैसे क्या हुआ, किस समय कहाँ से आ रहे थे आप? मैं तो इधर मैम रोड से की तरफ से इधर आ रहा था, गजराज हॉस्पिटल के लिए, तो इसी बीच हो गया। तो पुलिस को कंप्लेंट कर दी है? हाँ, कंप्लेंट कर दी है। 112 पे कॉल कर रहा था, बार बार मेरे फ़ोन से ऑन नहीं रही थी, तो फिर दूसरे ने भाई ने। तो पुलिस पहुंच गई है? हाँ, अभी यहीं आई थी, मेडिकल में आई थी, वहाँ तो आई नहीं। तो क्या मांग करते हैं पुलिस से? यही कि खुलेआम गुंडागर्दी होगी तो आम आदमी तो जी नहीं सकता। क्यों रोजाना जो है वारदात बढ़ रही हैं? हाँ, तो क्या कहना चाहोगे? यही कहना चाहूँगा, इतनी वैसे PCR हो फिर भी गुंडागर्दी, इतनी PCR उससे ज़्यादा गुंडागर्दी होने लगी है। बोल क्या बात होगी? उन्हें स्कूल से बच्चों को लेके आ रहा था, अच्छा। विश्वकर्मा चौक पर पहुँचा, वहाँ पर गाड़ी बैक करने लगा वो बंदा, उसके पीछे मोटरसाइकिल थी, इसकी मोटरसाइकिल गिर गई और बच्चा गिरने के बाद इसने उसको बोला भाई थोड़ा देख कर, बस इतने दौरान में इतना क्या चक्कू मारे? हाँ, क्या किया है बता रहे हैं, चक्कू मारे हैं आपके सामने, ट्रीटमेंट हो रहा है। क्या नाम है आपका? शेर सिंह बीडवाल। कैसे, क्या हादसा हुआ? ये भतीजा था, ये बच्चों को स्कूल में लेने के लिए गया था, है विश्वकर्मा चौक से आते दफा भीड़ भड़का था, ये गाड़ी वो बाइक साइड में खड़ी थी, है पीछे से काले रंग की गाड़ी आई, उसने थोड़े टच कर दिया, गाड़ी पड़ गई। वो भतीजा ने बोला भाई थम देख के तो चला लो, 3-4 जने उतर के उस पर हमला कर दिया, तो चक्कू से वो घायल कर दिया। तो कितना कितनी चोट लगी है? बहुत ज्यादा चोट है, बहुत ज्यादा बैठी है, लगभग 10-15 टाके लग रहे हैं, बच्ची को भी चोट लग रही है। तो क्या कहना चाहोगे, लगातार जो है क्राइम बढ़ रहा है गोहाना में? हम तो ये कहना चाहेंगे उसको तुरंत पुलिस उसको तुरंत कार्रवाई करे और जल्दी से जल्दी पकड़े, है उन पर जो उचित दंड हो वो दंड दरा जाए, और हरेक चौक पर उस तरह तो पुलिस बतेरी है पर चौकों पर घाट है।